तो चलिए अब बात करते हैं नमस्ते भारत में उस जीत की जिसने दिल थाम कर इंतजार खत्म कर दिया। एशिया कप में इंडिया की जो जीत हुई है उससे हर एक भारतीय के चेहरे पर मुस्कुराहट है। श्रीलंका को जिस तरीके से हराया फाइनल में, सिर्फ 10 विकेट से करारी शिकस्त और उसके बाद पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। भारत साल 2000 में टीम इंडिया के साथ जो शारजा में मैच हुआ था, टीम इंडिया ने 2023 में श्रीलंका से उसी का बदला ले लिया है और वो भी मैदान में धूल चटाकर। जिस तरीके का मैच देखने को मिला, हर एक भारतीय के चेहरे पर स्माइल है। पर इंडिया रॉक दे रहा तो श्रीलंका लगे बच्चे जैसे खेल रहे, पता नहीं। 10 विकेटों से जीता है और 10 विकेट गिरा के जीता है तो अनबिलीवेबल, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही धमाकेदार ये टूर्नामेंट हुआ है। श्रीलंका के कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम में सिराज ने अपना पहला ओवर काफी किफायती डाला, लेकिन जैसे ही वो दूसरा ओवर डालने आए श्रीलंका के लिए काल बन गए। सिराज ने अपने दूसरे ओवर की 6 गेंदों में से 4 गेंदों पर विकेट झटके पिछली बार का एशिया कप जीतने वाली श्रीलंका टीम के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी और स्कोर हो गया 12 रन पर 6 विकेट। यह एशिया कप फाइनल में किसी भी गेंदबाज का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। कोलंबो में एशिया कप के फाइनल मुकाबले की तीसरी गेंद से ही जो रिकॉर्ड बनने शुरू हुए वो टीम इंडिया की जीत के बाद ही खत्म हुए। श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ 15.2 ओवरों में महज 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये स्कोर किसी भी टूर्नामेंट फाइनल का सबसे छोटा स्कोर है। इतना ही नहीं, 50 रनों का ये स्कोर श्रीलंका के नाम एशिया कप फाइनल में भी सबसे छोटे स्कोर का रिकॉर्ड हो गया। श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ पहली बार 50 रनों पर ऑल आउट हो गई। यही नहीं, 50 ओवरों के मैच में 50 रन का स्कोर टीम इंडिया के खिलाफ किसी भी टीम का वनडे में सबसे छोटा स्कोर भी है। बहुत अच्छी चीज है ये कि जब हमारे पास पेसर्स है जो ऐसा काम कर सकते हैं, हमारा ये काफी कोशिश था कि हमारे जो बोलिंग अटैक में जो लोग होंगे वो थोड़ा सा वैरायटी लाए, तो आई थिंक विद दिस स्क्वाड वी हैव दैट वैरायटी। कैसे सचिन और सौरभ को ये जीत उनकी अपनी जीत लग रही है ये भी जान लीजिए। दरअसल 29 अक्टूबर 2000 को शारजा में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा था एशिया की दो धुरंधर टीमें, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, 299 का टोटल बोर्ड पर टांग दिया। लेफ्ट हैंडेड ओपनर सनत जयसूर्या ने इस मैच में 189 रन की शानदार पारी खेली। उनका साथ रसल ऑर्नल्ड ने निभाया, ऑर्नल्ड ने 52 रन की पारी खेली और श्रीलंका ने फाइनल में 299 रन बना दिए थे। भारत के सामने था 300 रनों का टारगेट। टारगेट आसान नहीं था, लेकिन टीम इंडिया के फैंस को पूरी उम्मीद थी कि टीम इंडिया श्रीलंका को हरा देगी, लेकिन हुआ इसके उलट। 50 ओवरों के मैच में टीम इंडिया मात्र 54 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसमें मात्र एक खिलाड़ी दहाई के आंकड़े को पार कर सका। सचिन और गांगुली जैसे दिग्गज भी बेहद कम स्कोर पर आउट हुए। ये वही मैच था जिसमें श्रीलंकाई दिग्गज चमिंडा वास ने 14 के स्कोर पर 5 विकेट निकाले थे। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, जहीर खान जैसे सितारों से सजी टीम के इस कदर खराब परफॉर्मेंस के बाद भारत के दर्शक भी नाराज हो गए और पोस्टर लगा दिया कि क्या हमारे खिलाड़ियों ने इस मैच को चैरिटी में दे दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।